अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो फ्रेंड्स। देखिए, अब मैं क्विकली एक रेसिपी बता रही हूँ। एक कढ़ाई रखी हूँ, यानी कि पैन रखी हूँ, तेल डाली हूँ, ऑयल यानी कि ऑयल ऑयल गर्म हो रहा है, ऑयल गर्म हुआ है। ऑयल गर्म होने के बाद फ्रेंड्स देखिए, इजीली क्विकली रेसिपी फ्रेंड्स ये भी। इसमें अब मस्टर्ड डालिए, ऑयल गर्म होने के बाद यानी कि राया डालिए, राया अच्छा फूटना चाहिए फ्रेंड्स। अच्छा, राया ये होने के बाद आप इसमें देखिए फ्रेंड्स, राई पूरा फूट रहा है यानी कि मस्टर्ड। क्विकली और इजी रेसिपी फ्रेंड्स ये। अब मेरा रेसिपी लाइक करिए फ्रेंड्स। अब प्याज डालिए फ्रेंड्स, यानी कि ऑनियन, ऑनियन अच्छा फ्राई होना चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद करी पत्ता यानी कि करिया पाक, ऑनियन अच्छा फ्राई होना चाहिए फ्रेंड्स, ब्राउन होना चाहिए। ऑनियन अच्छा फ्राई होने से ही टेस्ट रहता है फ्रेंड्स। मेरा रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। आपको अच्छा लगा तो कमेंट पर लिखिए फ्रेंड्स। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए थोड़ा, अच्छा फ्राई करिए, थोड़ा डाल के अच्छा फ्राई करिए, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा फ्राई करना चाहिए, उसका स्मेल गए तक जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद। अच्छा फ्राई करने के बाद उस पर देखिए फ्रेंड्स, ब्राउन होकर है। उसके बाद हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर, लाल मिर्च यानी कि रेड चिल्ली पाउडर डालिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको कितना तेज़ चाहिए उतना डालिए चिल्ली पाउडर। अच्छा चिल्ली पाउडर डाल के अच्छा फ्राई कीजिए फ्रेंड्स। मेरा चैनल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बताइए फ्रेंड्स। अच्छा फ्राई करिए फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो कमेंट करिए फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला डालने से अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू आती है अच्छा। फिर फ्रेंड्स मीट पाउडर डाल रही हूँ। मीट पाउडर डालने से अच्छा टेस्ट होता है, यानी कि आप चाहिए तो एक मसाला पाउडर भी आता है वो भी डाल सकते हैं। मीट पाउडर डालने से थोड़ा टेस्ट ही अलग रहता है फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़े चीज़ से ही बनाइए फ्रेंड्स, आपका घर में जो जो रहता है उस चीज़ से ही बनाइए फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी होता है। देखिए फ्रेंड्स कलर चेंज हो गया है, पूरा फ्राई करके हूँ। उसके बाद टमाटर डालिए, टमाटर सॉफ्ट होना चाहिए। अच्छा फ्राई करिए टमाटर को, अच्छा सॉफ्ट होके साइड पे ऑयल छूटना चाहिए, तेल पूरा साइड पे आना चाहिए। अच्छा फ्राई होना हुआ करके तब पता चलता है, तेल पूरा साइड पे आना है, ऑयल यानी कि साइड पे आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स ऑयल पूरा छूट रहा है, आप देख सकते हो। नमक डालिए, टेस्ट अनुसार नमक डालिए, आपको नमक कितना डालना आपको पता चलता है ना फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स अब मैं खोल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स पूरा ऑयल पूरा साइड पे जाके है, अच्छा फ्राई होकर है, टोमेटो सॉफ्ट होकर है। देखिए फ्रेंड्स इसके बाद देखिए फ्रेंड्स सॉफ्ट हो गया। थोड़ा पानी डाल के फ्राई करना चाहिए, थोड़ा पानी डाल के फिर इसे मूछना है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। पानी डालना चाहिए फ्रेंड्स थोड़ा। फ्रेंड्स आप क्या करिए, एक घन चाहिए तो टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिल्ली डाल के भी फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला, ऐसे ही डाला एक। देखिए फ्रेंड्स एक डाली हूँ, एक को अच्छा मिक्स करिए, सॉफ्ट होकर है पूरा मसाला, टोमेटो पूरा सॉफ्ट होकर है। देखिए फ्रेंड्स आप इसे रोटी के साथ, चीला, हर को किसके साथ हो जाए खा सकते हैं।
अच्छे से मिक्स करिए फ्रेंड्स। अब थोड़ा पानी डाल के ढक के रखिए, गैस स्लो पे रखिए फ्रेंड्स। थोड़ा पानी डालिए, स्लो पे रखिए गैस। फ्रेंड्स देखिए यम्मी रहता है, टेस्टी रहता है, घर पे जो चीज़ें उस पे डाल के आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स टेस्टी लगता है, आप बना के घर पे ट्राई करके देखिए। फ्रेंड्स मेरा चैनल को, मेरी बेटी का चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स देखिए आयल पूरा चुटके, मैंने गैस ऑफ किया है। देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी, कितना अच्छा दिख रहा है ना फ्रेंड्स, अच्छा टेस्ट रहता है। देखिए मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स आप एक बार कोशिश करिए, ट्राई करिए, ट्राई करना करके देखिए, आपको पता चलेगा घर पे है जो चीज़ें उसमें। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।